फ्रेंड्स, जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इस दुर्गंध के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक पायरिया है जो एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। फ्रेंड्स, ये मुंह से जुड़ा रोग है जिसका प्रभाव मसूड़ों और दांतों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं पायरिया रोग के कारण, इसके घरेलू उपचार और बचाव के तरीके के बारे में। ये घरेलू उपचार न सिर्फ पायरिया को होने से रोक सकते हैं बल्कि पायरिया होने की अवस्था में उसके लक्षणों को कुछ कम भी कर सकते हैं। वहीं अगर किसी की समस्या गंभीर है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पायरिया है क्या। फ्रेंड्स, कई लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि पायरिया क्या है। दरअसल यह मुंह के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बीमारी है जो मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। पायरिया को मसूड़ों की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग दांतों को सहारा देने वाले टिश्यू को प्रभावित करता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो पायरिया रोग बहुत गंभीर हो सकता है, जिससे मसूड़ों की पकड़ दांत से कमजोर हो सकती है और यह टूटकर गिर भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पायरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पायरिया 3 प्रकार के हो सकते हैं। मसूड़े की सूजन या जिंजिवाइटिस, यह पायरिया का सबसे सामान्य रूप है। इस स्थिति में मसूड़ों में सूजन हो सकती है और लाल रंग के नजर आ सकते हैं। प्रतिदिन दांतों की सफाई के दौरान इनमें से खून भी निकल सकता है। फ्रेंड्स, सेकंड सामान्य पायरिया, ये माइल्ड कंडीशन है। मसूड़ों की सूजन का उपचार न किया जाए तो यह हल्के पायरिया का कारण हो सकता है। इस स्थिति में मसूड़े दांतों के आसपास अपनी जगह छोड़ने लगते हैं, इससे दांतों के आसपास की हड्डी को जल्दी नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज गंभीर पायरिया, एडवांस स्टेज, यह मसूड़ों की बीमारी की सबसे गंभीर स्थिति है। इसमें दांत को सहारा देने वाली हड्डियों को नुकसान पहुंचने लगता है, साथ ही दांत ढीले होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं पायरिया होने के विभिन्न कारणों के बारे में। वैसे तो पायरिया का मुख्य कारण बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया प्लाक बनाते हैं जिन्हें साफ न करने पर ये टार्टर बन सकते हैं और पायरिया का रूप ले सकते हैं। इसके अलावा भी पायरिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, मधुमेह की समस्या होना, लड़कियों और महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन के कारण, मधुमेह की कुछ दवाओं के कारण जो लार के प्रवाह को कम करती हैं, कुछ बीमारियों में जैसे कि एड्स आदि, कुछ आनुवंशिक कारण। आइए अब जानते हैं पायरिया के लक्षणों के बारे में। फ्रेंड्स, बदबूदार सांस जो लगातार बनी रहती है, मसूड़ों को लाल रंग में दिखना, लाल रंग में या सूजे हुए मसूड़े, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का अधिक मुलायम हो जाना, कुछ भी चबाने पर दर्द होना, दांतों का ढीला हो जाना, दांतों में सेंसिटिविटी महसूस होना, मसूड़ों का अंदर की ओर चले जाना और दांतों का अधिक लंबा दिखाई देना। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं पायरिया के लिए कुछ घरेलू उपाय। नंबर 1, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के जरिए पायरिया का इलाज किया जा सकता है। बेकिंग सोडा में डेंटीफ्राइज नामक गुण पाया जाता है। यह गुण दांतों से प्लाक और मसूड़े की सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे पायरिया से होने वाले जोखिम से बचने में मदद मिलती है। कैसे करें इस्तेमाल? फ्रेंड्स, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लें। अब इसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट बना लें। अब टूथपेस्ट की सहायता से इससे अपने दांतों को साफ करें। इस प्रक्रिया को 2 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नमक को लंबे समय से ही पायरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता रहा है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल नमक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण यह है मसूड़ों की सूजन को कम करके पायरिया के उपचार में मदद करता है। कैसे करें इस्तेमाल? फ्रेंड्स, 1 छोटा चम्मच नमक लें। अब इसमें 2-3 बूंदे सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर मुलायम ब्रश की सहायता से अपने दांतों और मसूड़ों को इस पेस्ट से साफ करें। इस उपचार को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, नारियल तेल। नारियल तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है। इस एसिड में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। इस कारण नारियल तेल को इस्तेमाल करने से प्लाक के कारण बढ़ी हुई पायरिया की समस्या को ठीक करने में मदद मिलती है। कैसे करें इस्तेमाल? फ्रेंड्स, नारियल के तेल की 5-6 बूंदों को 1 कप पानी में मिक्स कर लें। फिर इस मिश्रण को मुंह में डालकर पूरे मुंह में अच्छे से घुमाएं। इसे मुंह में करीब 4 से 5 मिनट तक के लिए रखें। फिर बाहर निकालकर माउथ वॉश के जरिए मुंह साफ कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अदरक का प्रयोग। अदरक में जिंजरोल नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। जिंजरोल में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो पायरिया के बैक्टीरिया के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करता है। इससे पायरिया के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। कैसे करें इस्तेमाल? अदरक को थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करके बारीक पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं। फिर ब्रश की सहायता से इसे पेस्ट से दांतों को साफ करें। इसके बाद पानी से कुल्ला करके मुंह को अच्छी तरह साफ कर लें। इस उपचार विधि को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट तुलसी। तुलसी में एंटी प्लाक प्रभाव पाया जाता है। यह गुणकारी प्रभाव प्लाक के कारण होने वाले पायरिया के उपचार में मदद कर सकता है। तुलसी में एंटी जिंजिवाइटिस गुण भी पाया जाता है। यह गुण मसूड़ों में होने वाली सूजन को ठीक करके पायरिया के उपचार में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स कैसे करें इस्तेमाल। तुलसी की ताजी पत्तियों को तोड़ लें और इसे पानी से अच्छी तरह धो लें। अब तुलसी की पत्तियों को ओखली में कुटकर इसका अर्क निकाल लें। फिर इस अर्क को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपचार प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेमन ग्रास ऑयल। पायरिया से बचाव के तरीके में लेमन ग्रास ऑयल भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लेमन ग्रास ऑयल में सिट्रोनिलॉल, डी लेमोनिन और गैरानियोल जैसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। ये कंपाउंड पायरिया की गंभीर स्थिति को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकने में मदद कर सकते हैं। साथ ही प्लाक के कारण बढ़े हुए पायरिया के जोखिम को कम करने में भी मदद करते हैं। लेमन ग्रास ऑयल आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। कैसे करें इस्तेमाल। फ्रेंड्स लेमन ग्रास ऑयल की 4-5 बूंदे लें और इसे 1 कप पानी में मिला लें। इस मिश्रण को मुंह में डालकर पूरे मुंह में अच्छी तरह घुमाएं। करीब 3 मिनट तक इसे मुंह में घुमाने के बाद थूक दें। अब साफ पानी से कुल्ला करके मुंह साफ कर लें। इस उपचार विधि को हफ्ते में 2 दिन प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लौंग। लौंग में एंटी प्लाक, एंटी जिंजिवाइटिस और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण यह पायरिया से होने वाले जोखिम को कम कर सकता है। साथ ही यह गुण पायरिया के उपचार और रोकथाम में सक्रिय असर दिखाते हैं। कैसे करें इस्तेमाल। 6 से 7 लौंग को ग्राइंडर में बारीक पीस लें। फिर इसमें 2-3 बूंद लेमन ग्रास ऑयल की मिलाकर पेस्ट बना लें। आप करीब 2 मिनट तक इस पेस्ट से ब्रश करें। फिर पानी से कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट काली मिर्च। काली मिर्च में पाइनेनीज, डी लेमोनिन और कैरियोफाइलिन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। इन कंपाउंड्स के कारण ही काली मिर्च का सेवन मसूड़ों से खून आने जैसी समस्या को कम कर सकता है। कैसे करें इस्तेमाल। रात भर के लिए काली मिर्च के 10-12 दाने पानी में भिगो दें। अगली सुबह काली मिर्च को पानी सहित ग्राइंडर में बारीक पीस लें। अब इस पेस्ट को 1 कटोरी में लें और इसमें 2 बूंद लेमन ग्रास ऑयल मिला लें। फिर इस पेस्ट को मुलायम ब्रश की सहायता से दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पानी के जरिए कुल्ला कर लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी प्लाक, एंटी जिंजिवाइटिस और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये सभी गुण पायरिया से होने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं। वहीं अगर किसी को पायरिया है तो उसकी रोकथाम में लाभदायक परिणाम दिखा सकते हैं। टी ट्री ऑयल आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। कैसे करें इस्तेमाल। इसे टी ट्री ऑयल की 5 से 6 बूंदों को 1 कप पानी में अच्छी तरह मिला लें। चाहे तो इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को मुंह में डालें, पूरे मुंह में घुमाएं। करीब 2 मिनट तक इसे मुंह में घुमाने के बाद पानी से कुल्ला कर लें। इस उपचार को हफ्ते में एक बार दोहराया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑयल पुलिंग। दांतों की साफ सफाई के लिए ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें ऑयल के जरिए दांतों को साफ किया जाता है। इसके लिए घर में ही ऐसे तेल उपलब्ध रहते हैं जिनसे ऑयल पुलिंग की जा सकती है। इसके लिए सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे करें इस्तेमाल। फ्रेंड्स इनमें से किसी भी तेल की 5 से 6 बूंदों को 1 कप पानी में अच्छी तरह मिला लें। फिर इस मिश्रण को मुंह में डालकर अच्छी तरह घुमाएं और करीब 2 मिनट बाद थूक दें। इसके बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें। इस घरेलू नुस्खे को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स पायरिया होने पर कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह भी दी जाती है, तो आइए जानते हैं कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही स्वीट फ्रूट्स और मिठाइयां, खट्टे स्वाद वाली कैंडी, ब्रेड, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बर्फ, खट्टे फ्रूट्स, आलू के चिप्स, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अब जानते हैं कि पायरिया से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन टिप्स। फ्रेंड्स रोज सुबह और रात को सोने से पहले कम से कम 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। रोजाना फ्लॉस करना चाहिए। हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ ही ब्रश करें। नर्म व मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें। कम से कम हर 3 से 4 महीने में अपने टूथब्रश को बदल दें। पुराना हो चुका टूथब्रश मसूड़ों को खराब कर सकता है। स्वस्थ आहार खाएं, चीनी से बने स्नैक्स और जंक फूड से बचें। ऐसे खाने से दांतों पर प्लाक जमा हो सकता है जो पायरिया का कारण बन सकता है। धूम्रपान न करें। सिगरेट पीने और तंबाकू चबाने से ये मुंह की सड़न का कारण बन सकते हैं और मसूड़ों व दांतों के लिए हानिकारक होते हैं। समय समय पर डेंटिस्ट से चेकअप करवाते रहें। वर्ष में कम से कम 2 बार दांत अवश्य साफ करवाएं। इससे पायरिया से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ यह जानना
जानना भी जरूरी है कि अगर आप पायरिया बीमारी का इलाज नहीं करते तो क्या होगा। पायरिया का उपचार न करने पर यह शरीर के बाकी हिस्सों पर भी बुरा असर डाल सकता है। ऐसे लोगों में हृदय रोग को रोकने या ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही यह लीवर इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।